भूल जा, मैं तुझे कभी अपने घर के अंदर नहीं लूंगी। क्या सुरुति है सब दादी से कहने की, वो पहले ही तुझसे नाराज है, अब तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। मैं पे कुछ नहीं कर सकूंगा, तूने ऐसा क्यों किया गंगा? पता नहीं तुम्हारे घर में आएगी भी या नहीं। ये जो है ना तेरी अकड़, ये घमंड है, स्वाभिमान नहीं है। और देख लेना, ये घमंड तुझे एक दिन ले डूबेगा। समझती क्या तू अपने आप को? मेरे जीते जी तू मेरे घर पे कभी नहीं आ सकती। जा विधवा आश्रम जा, शालिग्राम जी ने जितनी तुझे उम्र लिखी है ना, वो बाकी की उम्र सब वहां आश्रम में बिता। आई मेरे घर आने वाली। ऐसा मत बोलो दादी, तू मेरे साथ चल गंगा। चल, पापा ने मुझे भेजा है, चल गंगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? ठीक है, तो दादी के पास से गुस्सा है ना, दादी मैं से लेके जा रहा हूँ, चल। एक मिनट लल्ला, तुझे बहस करने का बड़ा शौक है ना लल्ला, कान खोल के सुन ले। मैं बार बार नहीं कहूंगी, यह लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। इसके पाँव मेरे दहलीज पे कभी नहीं पड़ेंगे, ना आज और ना कभी। ये बड़ी बड़ी बातें और उम्र से ज्यादा समझदारी इस लड़की को ना जीवन में बहुत दुख पहुंचाएंगे। पर उसे कुछ भी समझाना बेकार है सुधा दीदी, सख्ती करने से भी कुछ नहीं होने वाला, समय आने पर वो अपने आप सब समझ जाएगी। नहीं, उस लड़की को मैं उसकी मर्जी पर तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना ममता, सब कुछ उसे अभी इसी उम्र में सीखना होगा, चाहे उसके लिए सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े, जितनी पहले बरती थी उससे कहीं ज्यादा। बोल की गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगी मैं। बोलते क्यों नहीं है? बोल, बोल, बोलते क्यों नहीं तू? नहीं सुधा, पर वो बच्ची अभी पेशीमा, वो बच्ची नहीं है। मुझे अपने इस बात को कितनी बार दोहराना पड़ेगा, विधवा है वो, विधवा, और उसे इस बात को मानना पड़ेगा। अगर उसे अपना जीवन इस आश्रम की चार दीवारी के अंदर ही गुजारना है तो उसे अपना ये विधवा जीवन स्वीकारना पड़ेगा। आपने उसे घर में आने से रोका है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती। अब आप अपनी गलती का एहसास करके उसे घर में वापस ले आइए। क्या क्या कह रहा है नीरू, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? तू चाहता है मैं उससे माफी मांगू? हाँ, तेरी माँ के लिए ये आदर है तेरे दिल में? आदर तो करता हूँ अम्मा जी, तभी तो आपका सम्मान बनाए रखने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। प्लीज चुप हो जाइए ना। दादी सही कह रही है, कोई भी गंगा की बात नहीं करेगा। सागर ऐसे नहीं बोलते बेटा, गंगा तेरी दोस्त है ना, और तू तो उसे लेने गया था। फिर वो मेरी दोस्त नहीं है मम्मी, मैं गया था उसे लेने, लेकिन उसे आना ही नहीं तो फोर्स क्या करना। वही रह रहे थे उसे, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं गंगा को याद भी नहीं करूंगा, उसकी बात भी नहीं करूंगा, उससे बात भी नहीं करूंगा। सागर तू ऐसे क्यों बोल रहा है, गंगा यहाँ आएगी? अच्छा, तेरा पति चुप हो गया तो तू तरफदारी करेगी? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है मेरा लल्ला, अब जाकर मेरा लल्ला सही रास्ते पे आया है, उसकी आंखों से पट्टी हट गई है, तो तू उसे उल्टी पट्टी मत बना बहू। सुना नहीं तूने क्या कहा मैंने? छोड़ो ना, नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी, छोड़ो, नहीं जाएगी, और दोपहर को हम सबके साथ भिक्षा मांगने जाएगी। हमने भी कहा ना कि भीख नहीं मांगेंगे हम। भीख नहीं, भिक्षा, और मांगना पड़ेगा तुझे। जिस तरह तूने अम्मा जी के सामने अकड़ दिखाई थी ना, है? उनके सामने शर्त रख दी थी कि तुम लेने आओगी तभी हम आएंगे, उसके बाद तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भिक्षा मांग कर जीवन गुजारना। यही आश्रम में रहना है ना, तो यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा तुझे, समझ में आया?